तुम इतनी भूमिकाएं बखूबी निभाती हो। आज भी याद है जब हर तरफ से करियर एडवाइस मिलती थी, इतनी कंफ्यूजन के बीच वो तुम थी जिसने कहा तू वो कर जो तुझे अच्छा लगे। अभी भी जब स्ट्रेस होता है ना, तो सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है, क्योंकि तुम ही तो हो जो सब छोड़ के कहती हो रिलैक्स कर, चल कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। और डिटेक्टिव, डिटेक्टिव तो वहां तुमसे बेहतर शायद ही कोई हो सकता है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, शाम को घर कितने बजे आएंगे, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो कौन कौन जा रहा है और कब तक वापस आएंगे, ये सवाल तो बस हमें जैसे रट से गए हैं। लेकिन मां तुम खुद चाहे कितना भी डांट लो, पर मुझे पता है कभी और अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ डॉक्टर, ये हम कैसे भूल सकते हैं, एक छींक भी आ जाए ना तो तुम 10 नुस्खे तुरंत व्हाट्सएप कर देती हो। आज भी याद है जब पहली बार पढ़ाई करने घर छोड़कर दूसरे शहर आए थे, उस दिन जब नहीं रुका गया तो सबसे पहले तुम्हें फोन करके दिल का हाल सुनाया था। मां बहुत अजीब सा लग रहा है, अकेले रहने की आदत नहीं है ना, और तुमने भी तो झट से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल मिलाया था। पर जिंदगी की बाकी चीजों में हम इस कदर बिजी हो जाते हैं कि कई बार भूल जाते हैं कि तुम मेरी उस कॉल का वेट करती हो। इस मदर्स डे ये छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, कोई स्पेशल गिफ्ट या बड़ा सा मदर्स डे मैसेज नहीं, बस चंद मिनट उन्हें देते हैं। और यही इस मदर्स डे मेरी जी आपसे कह रहा है, एक कॉल यूं ही कर लिया करो। हैप्पी मदर्स डे।